देश दुनिया में लोक आस्था के छठ महापर्व के चौथे दिन आज की सुबह छठ व्रतियों के उगते सूर्य भगवान को अर्घ देने के साथ ही समापन हो गया। इसके साथ ही सभी छठ व्रतियों ने व्रत का पारण किया। मान्यता है कि सूर्योदय के समय अर्घ देने से सुख समृद्धि सौभाग्य संतान की प्राप्ति की मनोकामना और संतान की रक्षा का वरदान मिलता है। छठ महापर्व के आखिरी दिन सूर्योदय के दौरान अर्घ देते समय मंत्र का जाप किया जाता है। महापर्व छठ का चार दिवसीय अनुष्ठान मंगलवार को नहाए खाए के साथ आरंभ हुआ था। पहले दिन व्रतियों ने यहां गंगा स्नान के साथ सूर्यदेव को जल से अर्घ दिया। इसके बाद पूरी पवित्रता के साथ अरवा, चावल, चना, दाल, कद्दू की सब्जी और आंवले की चटनी आदि का भोग लगाकर प्रसाद तैयार किया। बुधवार को खरना पूजन के दिन व्रतियों ने पूरे दिन उपवास कर शाम में भगवान का भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हुआ। गुरुवार को व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ दिया। बहुत महत्तम है छठ पूजा का, महत्तम है। पहले सीता जी ने करी, उसके बाद हम लोग किए। सीता जी अपने राज्य के लिए की और हम कुछ मांगते हैं छठी माई से, जो पूरा हो जाने के बाद हम करते हैं। सूर्य के अर्घ्य तो मन्नत जो मांगता है वो करता है, वही पानी में खड़ा होता है, जो मन्नत मांग के उसमें जाता है, बाकी जो मन्नत नहीं मांगता वो बैठे रहता घाट पर। वो सारा फल होता है, गन्ना होगा, ये नींबू है, नारियल है, सेब है, संतरा है, 3600 फल है जो यहाँ से नाम नहीं बता पाएंगे वही। और ठेकुआ बनाते हैं, पूड़ी बनाएंगे, मीठा ठेकुआ है, वो सूर्य भगवान के अर्घ दिया जाता उसी से। जैसे हम 4-5 आदमी होते हैं, गाड़ी की देख रहे व्यवस्था, एक बार गई थी तो मेरा बच्चा एक नीचे गिर गया, एक ट्रेन पर चढ़ गया और मैं कहीं और खड़ी हो गई। इस स्थिति से हम जा नहीं पाती हूँ। हाँ, दिल्ली में ही करते हैं कि वो भीड़ भाड़ का गाड़ी में कौन चढ़ेगा। ये देखिए, एक तो लड़के के लिए होता है, लेकिन हमारे इधर सब मतलब हर एक चीज़ मन्नत पूरा हो जाती है छठ पूजा के लिए। कोई चीज़ मान लो तो छठ पूरा हो जाए, मन्नत पूरा हो जाती है और बहुत खुशी से मनाते हैं। बहुत उत्सव होती है हम लोग छठ पूजा के लिए, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। एक साल की त्यौहार होती है। हाँ हाँ, बहुत बहुत लोग भर गए हैं यहाँ पे दिल्ली में, तो बिहार यूपी दोनों जगह होती है छठ पूजा। हाँ जी, बहुत भीड़ होती है, ट्रेनों में रिजर्वेशन नहीं मिल पाती है, टिकट वोटिंग हो जाती है, इसलिए हम लोग नहीं जा पाते हैं यही छठ पूजा पर। घर की तो याद आती है, गांव में तो देखिए सब होते हैं, अपना पूरे परिवार होती है, फैमिली होती है, रिश्तेदार होते हैं, सब लोग मिल के करते हैं, तो याद तो आती है गाँव की। देखिए, जैसे सूर्य भगवान निकलते हैं सुबह के टाइम, तो उनको हम अर्घ देते हैं और साले फल फ्रूट लेके देते हैं और दूध से अर्घ देते हैं। जब तक वो निकलेंगे नहीं तब तक हम अर्घ नहीं देते हैं और ना कुछ खाते हैं। जब निकल जाएंगे तभी हम चाय पानी कुछ भी लेते हैं अर्घ दे के। पहली बार मथुरा से यहाँ मुंगेर छठ मनाने आए विद फैमिली के, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा पूजा होता है, बहुत अच्छा पर्व मनाया जाता है। ऐसा पर्व पहले हमने कभी नहीं देखा छठ पे। हमें बहुत खुशी हुई कि हम इस छठ पूजा में शामिल हुए और हमें बहुत आनंद हुआ कि हमने ये पर्व मनाया आप लोगों के साथ मिलकर। हमारी मथुरा की तरफ ये छठ पर्व नहीं मनाया जाता। हमारे मथुरा की तरफ कृष्ण जन्माष्टमी है, वो हर्षोल्लास से मनाई जाती है और महाशिवरात्रि है। बाकी ये छठ पर्व हम मनाने इधर बिहार आए, आप लोगों के साथ मना के बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा माहौल है। कठिन व्रत है लेकिन सब उनके कृपा से पार लग जाता है। महंगाई वैसा कुछ असर नहीं होता है, थोड़ा महंगाई है उसका मार झेलना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा कठिनाई हो जाता है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा। आज सूर्य भगवान का अर्घ पड़ा है, उगते हुए सूर्य को लोग अर्घ देता है, उनकी कमी महसूस हो रही है। नहीं, कभी नहीं देखे, पहली बार आए हैं, पहली बार अच्छा लग रहा है। छठ हम लोग बहुत अच्छे से करते हैं और पानी में थोड़ा देर 30 मिनट पहले 20 मिनट पहले खड़ा होते हैं, उसके बाद हम लोग अर्घ देते हैं। उसके बाद हम लोगों को अर्घ में चढ़ाते हैं ठेकुआ, केला, नारियल और ऊख और मूली और गागर में नेमो और नारंगी और संतरा। कम से कम 20-30 मिनट तो खड़ा रहते हैं हम लोग, खड़ा रहने के बाद ही अर्घ देते हैं। यहाँ पर भी बिहार जैसा ही फीलिंग आदमी को आ रहा है। अच्छा है, जुहू का बहुत अच्छा छठ है। छठी मैया आई अंगनवा हो निहुरी गोड़े लागी, छठी मैया आई अंगनवा हो निहुरी गोड़े लागी,
गतिये देखत छठी परेशान भइली, गतिये देखत मुस्कइली हो, निमुरी गोड़े लागी। अदिया देखत छठी परेशान भइली, इखिया देखत मुस्कइली हो, निहुरी गोड़े लागी। यही कहना जाता है कि ये पर्व बहुत अच्छा, इसलिए इसका इंतजार करते हैं, बहुत लोगों से मिलना होता है। हम एक साल से इंतजार करते हैं कि अपने गांव जाएंगे, अपने घर वालों से मिलेंगे, अपने रिलेटिव से मिलेंगे। यही इसके बारे में कहना है कि हमारे लिए बहुत अच्छा पर्व है और हम बहुत खुशी से इस पर्व को मनाते हैं। ये तो सबसे बड़ा आस्था का महापर्व है, सूर्य भगवान का जो है। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि सूर्य भगवान का उदय हो और फिर उनको जो प्रातःकालीन जो अर्घ जो है सवेरे का देखें। ये छठ भगवान का जो पूजा का जो है आज अंतिम दिन है, समापन होगा। इसमें जो है फल के अलावा जो है ठकुआ, जो घर में जो लोग बनाते हैं अपने हाथों से, ठकुआ खजूरी ये रहता है फल के अलावा। बहुत अच्छा लगता है जब पूरा फैमिली हम सब साथ में मिलकर यहाँ जश्न मनाने आते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे सिर्फ त्योहार नहीं मना रहे, यहाँ पे सब इकट्ठा होकर सारी खुशियाँ जो है हम बांट रहे हैं, ना कि हमारे गांव में या बिहार में यूपी में, पर यहाँ पर भी वही खुशियाँ हम दे रहे हैं सबको। यहाँ पे सब एकत्रित होकर जिस तरह से हम यहाँ पे त्योहार मना रहे हैं, ये बहुत ही गर्व की बात है कि हम हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को फॉलो कर रहे हैं। देखिए, छठ एक महापर्व है और इस पर्व को आप कहीं पे भी मनाएं, एक अलग ही हर्ष, अलग ही उल्लास, एक अलग ही आनंद का माहौल रहता है। और खास करके जो आप और ये सारे ही लोग यहाँ पे एकत्रित होकर के इस चीज का अनुभव कर रहे हैं, एक ये अभूतपूर्व है। आप देखिए, एक अलग ही माहौल, एक अलग ही छवि, एक अलग ही छटा है जो हर ओर आप देखिए कि इस छठ पर्व में सब लोग डूबे हुए हैं। और इस छठ पर्व की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जहां आप देखेंगे कि हर पूजा अर्चना में आप सूर्योदय को अर्घ देते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, यह एकमात्र ऐसा पर्व है जहां सूर्यास्त को भी पूजा अर्चना की जाती है, उनको अर्घ दिया जाता है। और ये चार दिनों तक निरवरत चलता हुआ एक पर्व है। आपको बता दें कि आज उदयमान सूर्य को नदी, तालाब या अन्य जल स्रोतों के बीच खड़े होकर अर्घ देने के साथ ही छठ का चार दिवसीय अनुष्ठान पूरा हो गया। छठ व्रतियों ने अनुष्ठान के समापन की पूर्व संध्या पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया। इस दिन षष्ठी तिथि को छठी मैया का पूजन विधि विधान के साथ हुआ। 7 नवम्बर को धृति और रवि योग का संयोग बना रहा। व्रतियों ने जल में खड़े होकर पवित्रता के साथ फल, मिष्ठान, नारियल, पान, सुपारी, फूल, अर्घपात से भगवान सूर्य को अर्घ देकर परिवार की कुशलता की कामना की। आज सुबह कार्तिक शुक्ल सप्तमी तिथि को सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग में उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही चार दिवसीय ये पर्व संपन्न हुआ। अर्घ और पूजन करने के बाद व्रतियों ने घाट पर पारण कर पर्व का समापन किया। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।